वाहेगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग नगर निवासी समूह संगतां नूं पता ही है, गुरद्वारा साहेब खुले दीवान सजाए जा रहे हैं। सत्कारयोग सरपंच प्रेम सिंह जी उन्हां दे परिवार वालों सारे नगर नूं जी आया कहण वास्ते सारे नगर का धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का धन्यवाद करन वास्ते 13 पाठ सुखमनी साहिब जी दे अमृत वेले जो भोग पए हैं, उपरंत कीर्तन की आरंभता, कीर्तन दे विच श्री मान संत बाबा प्रितपाल सिंह जी राड़ा साहब संप्रदाय कीर्तन दे विच हाजरियां भर रहे हैं। समूह संगत नूं नगर निवासियों नूं बेनती करा सरपंच प्रेम सिंह जी वल्लों सारे नगर नूं खुला सद्दा ते धन्नवाद करन वास्ते ये प्रोग्राम किया गया है। संगत नूं बेनती है भाई लगभग 11 बजे 11:15 दे विच विच कीर्तन की समाप्ति हो जानी है। 11:15 दे विच विच कीर्तन की समाप्ति हो जानी है। गुरु के लंगर चल रहे हैं, नगर निवासियों नूं संगतां नूं बेनती है गुरु के लंगर छक के महापुरशां दे कोलों संत बाबा प्रितपाल सिंह जी संप्रदाय राड़ा साहिब महापुरशां दे कोलों लाहा लईए। संगत नूं बेनती है पहुंचण दा यतन करो, लंगर पाणी छक के गुरु दरबार दे विच बैठण दा यतन करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੈ ਛਤਰ ਤਰੈ ਜਾ ਕੀ ਛੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਟਰੈ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾਕੂੰ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ ਨਾਮ ਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤਿਲੋਚਨ ਸਦਨਾ ਸੈਨ ਤਰੈ ਕਹਿ ਕਰ ਵਿਦਾਸ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਜੀਉ ਤੇ ਸਭੈ ਸਰੈ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਵਿੰਦ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੈ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਵਿੰਦ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੈ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਵਿੰਦ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਵਿੰਦ ਨੀਚੋਂ ਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਵਿੰਦ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਵਿੰਦ ਪਿਆਰੇ 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 ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਪਿਆਰੇ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਪਿਆਰੇ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਪਿਆਰੇ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਹਾਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਪਿਆਰੇ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਪਿਆਰੇ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਪਿਆਰੇ ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੈ ਟੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਸਾਖ ਪੇ ਭੱਜ ਖਲੇ ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾ ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੈ ਨ ਤਤੀ ਵਾਓ ਮੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਮੀ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਮੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਮੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਮੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਉਹ ਮੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਮੀ ਮੇਰਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ
जप दे ओ मिलायो नादा करावी मैं बादशाह जेड़े तेरा नाम जप दे ओ मिलायो नादा करावी मेरे बादशाह जेड़े तेरा नाम जप दे ओ मन होए आनंद सो सतगुर कही है मन की दुविधा बिन सजाए कर परम पद लही है परम सत्कार जो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी असी तुसी सारे जाने बहुत वड्डे भागां वाले कां जिन्हां नूं हाजरा हजूर जाखरा जहूर नाम बाणी के जकाज कलत पलत के राखे लोक परलोक के सकायक सबना धर्मां दे सांझे रहवर गुरता गुरगद्दी ते विराजमान दस गुरु सहबानां दी पावन पवित्र जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र दर्शन दीदार करन दा सतगुरां दी उपमा महिमा जस सरवण करन दा रब दे प्यारियां दे दर्शन दीदार करन दा सुभागा समा प्राप्त हो रेखा कै अपने नगर दे सरपंच साकेव सरदार प्रेम सिंह जिया नगर निवासियां ने और गुरु साकेव ने नगर दी सेवा वास्ते चुनिया सतगुरां दा धन्नवाद करन वास्ते आपा सारे आए हाँ सानू हुक्म कीता साढ़े अति सत्कार योग साढ़े बहुत प्यार वाले श्रीमान संत बाबा गुरविंदर सिंह जी माछीवाड़ा साखी वाले जो साढ़े नाल ही संगत विच सजे हुए हैं चाहे साढ़े नालों तां सैकड़े गुणा ज़्यादा सुंदर कीर्तन करते हैं
अत्यंत विद्वान कन, निम्रता वाले कन, मिलवर्तन वाले कन, पर इन्हां दा वड्डा पण है जो आप संगतां दे दर्शन करवाए, हों टाडी वेकार कारे लाया, सतगुरां दी उपमा करन वास्ते इन्हां ने योग समझिया कि तुसी आ जाओ, आपां रल के परमेश्वर दा जस करांगे। सो साध संगत वड्डियां भागां दे नाल सानू महापुरखां दे गुरु महाराज दे दर्शन दीदार हुंदे हन। आ जो समा हुण सानू मिलिया है, कई तां जिहड़ियां रब रंगियां रूहां ने ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਰੱਬ ਰੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਉਪਰਾਮਕ ਹੈ ਦਸ਼ੋਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰੇਖਾ ਹੈ ਕਬਹੋਂ ਜੀਅੜਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ ਕਬਹੋਂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ लोभी जीअड़ा थिर न रखत है चारे कुंडा इन बड़ा लब दे भाल दे फिर दे मन नु बड़े पासे जान दा मौका मिलदा जांदा रहिंदा पर शांत नहीं हुंदा। शांत कदों होएगा? वड्डे संत जी महाराज अक्सर धारना पढ़दे हुंदे मन शांत ना होवे जी बिना कर नाम तो, नाम तो बिना मन शांत हो ही नहीं सकता। साध संगत जदो तुसी बंदगी करन लग गए, भगती करन लग गए, फिर थोड़ी संसार दे विलो मोह कटना शुरू हो जाता है, परमेश्वर दे नाल चित विरती लगनी शुरू हो जाती है। दूसरा बचन नाल नाल यह भी कह के तुहाडे पेपर पैने शुरू हो जाते हैं, बहुत लोग मिलते हैं। जदों जी मैं शराबा पींदा सी मेरे अगे कोई बोल नहीं सी सकता, जदों मैं गैंगस्टरां दी संगत करदा सी कोई मेरे अगे साह नहीं सी कढ़दा। जदों दा अमृतधारी हो गया, गुरु दी सेवा च आ गया, लोकी बोल कबोल बोलन लग गए। तुसी भी सुनिया होणगियां ये गल्लां, असी अक्सर सुनते रहिंदे हाँ, फिर उन्हां दा कदे कदे मन करदा वापस उसी लाइन ते ना चले जाइए जिथे लोग मेरे तो डरदे हुंदे सी, ओही रस्ता ना अख्तियार कर लईए। पर जिहड़े भगत हुंदे ने ना, जिन्ना ने सोच लिया एम ऑफ लाइफ मीट टू गॉड, जिन्ना ने डिसीजन ले लिया गॉड लव इज स्वीट फ्रूट इन द गार्डन ऑफ द लाइफ, जिन्ना ने डिसीजन ले लिया ओ मेरिया मना देख मैं तेनु एक ज्ञान दी गल दसदा हाँ, हर शाम ने सूरज को ढलना सिखाया, हर शमा ने परवाने को जलना सिखाया। मानते हैं गिरने वाले के दर्द तो होती है जरूर, हर ठोकर ने इंसान को चलना सिखाया। साध संगत तो फिर लोग का मगर नहीं लगते। श्रीमान संत बाबा बलवंत सिंह जी महाराज सिद्ध सर सुड़सा वाले कहंदे हुंदे, लोकां दे सह सह तानियां नूं पा लैंदे असल निशानियां। इस करके साध संगत जदों तुसी वड्डे संत जी महाराज दा इतिहास पढ़ोगे, जदों तुसी ईश्वर आत्मक अमुल्य लाल पढ़ोगे, उहदे विच आउंदा है जब तेरे दिल दर्पण की सफाई हो जाएगी, बादशाही तो क्या बला है खुद खुदाई हो जाएगी। जदों तेरा दिल साफ हो गया,
शीशे वांगू तेरी भटकना मुक गई, ऊच नीच तो उच्चा हो गया, लोड़ा मंगा खत्म हो गई, लोड़ा वाले खैन कनेरे पाल कोई बेलोड़े बेलोड़े जे मिल जान तैनों तो चाड़ उन्हां दे जोड़े। जदो तेरी आ अवस्था होगी ना, जदो तू कहता मालका पाला पेपर जिन्ने पौने हैं, असी तां तेरी बन के रहना, असी तेरे आ भावे रख भावे मार। जदों आ अवस्था विच तू आ गया फिर पता की बनूंगा, तुसी हैरान हो जाओगे। ये भी हो सकता है, हो साध संगत मन हो गया गंगा दे नीर वर्गा, पिछे लग्या राम फिरे, हो गया गंगा दे नीर वर्गा, पिछे लग्या राम फिरे, मन हो गया गंगा दे नीर वर्गा, पिछे लग्या राम। ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਰਾਮ ਫਿਰੇ, ਉਹ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਵਰਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਰਾਮ ਫਿਰੇ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਰਾਮ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਰਾਮ ਫਿਰੇ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਜੀ राम हो, पिछे लग्या जी राम फिरे, पिछे लग्या जी राम फिरे, हाँ पिछे लग्या हो राम फिरे, हो गया गंगा दे नीर वर्गा, मन हो गया गंगा दे नीर वर्गा, पिछे लग्या राम फिरे तेरे तेरे, पिछे लग्या राम फिरे, मन हो गया गया गंगा दे नीर वर्गा, मन हो गया गंगा दे नीर वर्गा, पिछे लग्या राम फिरे तेरे तेरे, पिछे लग्या राम फिरे, मन हो गया गंगा दे, मन हो गया गंगा दे नीर वर्गा, पिछे लग्या राम तेरे तेरे, पिछे लग्या राम फिरे, मन हो गया। साध संगत जदों कृपा हो जावे फिर तुसी चुने जांदे हो, मैं चुनन ते बोलांगा, चुनाव होके खटे ने, कौन किनू चुनदा, श्री गुरु नानक देव जी ने भी चुनना कीता, थोड़ी संगत नहीं सी बहुत सी, महाराज ने बड़े पेपर पाए, सारे लोग फेल हुंदे गए, महाराज दा सिख भाई लैणा जेड़ा घोड़ी ते चढ़ के आया सी, महाराज लगाम पकड़ के घोड़ी दी आप दे डेरे लेके गए सी, जिन्हों कह दिता सी जिन्हें लेना हुंदा चढ़ के ही आउंदा हुंदा भाई, दूसरे पातशाह जी ने अपने कुड़म नूं चुनिया, संगत बहुत सी, दुनिया बहुत सी, साध संगत कहंदे तू कामयाब है, पेपर बड़े पाए पैने ने, असी भी गल कहांगे जेड़ा कोई प्रधान बने गुरुद्वारा साहिब दा, कोई पिंड दा मोहतवर बने, सरपंच साहिब बने,
मत सोचे भी उदा बहुता पिंड दे लोक सत्कार करनगे, मेरा बचन कौड़ा है। मत सोचियो भी दुनिया बहुता सत्कार करेगी, वो पिंड दा संत होवे लोकी उदा सत्कार नहीं करदे। हैं जी, हां जी। इस करके थोड़ी ड्यूटी है, जेड़ा मार्ग तुहानू दर्शा दिता उस मार्ग दे उत्ते चलना। सूदे सूदे रेंग चलो तुम नतर कुतका दिवई है रे, बिलकुल सीधे चलना नक दी सेध। गिराउण वाले बड़े मिलणगे, बदनाम करन वाले बड़े मिलणगे। गुरु अमरदास नूं कहिंदे घरे रोटी नहीं मिलदी, कुड़मां दे घरे पानी ढो के रोटी खांदा। छड्या मार्ग उन्हां ने कदी भी नहीं। साध संगत ओ गुरु रामदास जिन्हां दा जे जन्म दिखाड़ा प्रकाश पुरब आगमन पुरब है, जदों महाराज जी दा जन्म होया मां गुजर गई, 7 साल दे हुए पिता गुजर गया, पेपर पैने शुरू हो गए ना। कहंदे इन उजड़ जावे चलिया जावे, बाणी च लिखिया हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। चाचे ताए कहंदे मरजे परे एदी जमीन जायदाद आपा सांभांगे। ओहो, पए कि ना पए पेपर भाई, पए ने ना। जे अज तुहानू चुनिया गया है मत सोचो कि मैं हार पवावांगा, लोक मैनू बहुत ही जीव आया कहणगे साइड ते रख दे। ओ लोक तां जिहड़े गुरद्वारे सवेरे झाड़ू मारन आउंदे ने उहनां नूं नहीं बख्शदे। जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब ते चौर साहिब करके प्रकाश करवाउंदा नाल, लोक तां उहनूं नहीं बख्शदे। थोड़े कोल तां रुपये आउणे ने, पैसे ग्रंटां, मतां सोचियो लोकां दे मगर लग के अपनी चाल ना छड्डियो। ओहो, जे गुरु अर्जन सच्चे मार्ग ते चले आ दुनिया ने तत्तियां तवियां ते बिठाता। आखो सतना। इस करके मैं तुहानू कह रहा गा, सिक्खी तिक्खी का खंडे दी धार नालों, तिक्खी का खंडे दी धार नालों औखी कै कमाउणी संग ते, तिक्खी कै खंडे दी धार नालों औखी कै कमाउणी संग ते, तिक्खी तिक्खी ऐ खंडे दी धार नालों, हांजी औखी कै कमाउणी संग ते, वाह वाह, खंडे दी धार नालों औखी ऐ कमाउणी संग ते, खंडे दी तार नालो औखी है नबाउणी संग ते, उसकी तिक्खी है खंडे दी तार नालो औखी है कमाउणी संग ते। धारना आपां संत बाबा गुरविंदर सिंह जी तो सुणांगे। मैं विचार कर लैंदा हां साध संगत, हुण तुसी सरपंच साहिब बन गए, तुहाडे कोल काम करवाउण वाले विरोधी भी आउणगे, प्रेमी भी आउणगे, पर तुहाडा हिरदा बिलकुल साफ चाहीदा है। तुहाडे वास्ते सारे तुहाडे बच्चे बच्चियां ने, क्योंकि तुसी मोहत वरखो। कई वारी पहले ही काम उन्हां दा आ जांदा जिहड़े कहिंदे ने देख लांगे तैनूं। पेपर, मैं एक प्रमाण दे दिना छोटा जिहा गुरु साहिब दी बाणी चों, गुरु साहिब दे इतिहास चों, क्योंकि आपां तां बच्चे हां छोटे छोटे। अपना श्रोमणी तां श्री गुरु ग्रंथ साहिब है ना,
जे आपां नूं किसे गुंजलदार गल की समझ ना आवे आपां तां सतगुरां तों सुलझाउणी है। महाराज सानू समझाओ भी पेपर किवें पैंदे हुंदे ने, ते जे असी पेपर चो पास होण वाले ना होइए, मन लो असी फेल होण वाले हाँ, फिर तुसी पास किवें कराओगे? हैं जी, आपां इहदे ते विचार करदे हां। एक सिख गुरु अर्जन देव जी को आ गया, आके कहिंदा मैनू अपना सिख बना लाओ, मैनू सिखी बड़ी प्यारी लगदी गै, सिखी जान तो प्यारी मैनू लगदी, अपना बना लै मालका। महाराज कहिंदे दूरों देखण नूं चंगी लगदी है, जदों सिख बन गया फिर पेपर बड़े पैंदे हुंदे ने, किते घबरा के दौड़ ना जाई। साध संगत कहिंदा ना करो कृपा, सिखी दो कमा लूंगा। महाराज किड्डी क गल है, कहिंदे पहला तो साडे सिखां नूं देख, साडे सिखां दा प्यार देख, जिहड़े घरे बैठे अरदासां करी जांदे ने, साडी कखां दी कुली नूं भाग ला दे। राजिआं दे जाण वालिआ कखां दी कुली नूं भाग ला दे, राजिआं दे ओ राजिआं दे जाण वालिआ साडी कखां दी कुली नूं भाग ला दे, राजिआं दे जाण वालिआ ओ साडी कखां ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਲੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਦੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਖਾਂ ਦੀ ਕੁਲੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਦੇ, ਕੁਲੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਬਈ ਸਾਡੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ संगत। महाराज ने एक चिट्ठी लिखी, कहिंदे आ चिट्ठी लै जा मेरे सिख नूं जाके मिल, तैनूं लग पता जाएगा सिखी कमाउणी किन्नी औखी है। जिहनूं महाराज चुणदे हुंदे ने उहदे विच कोई क्वालिटी हुंदी है, उस क्वालिटी करके ही महाराज चुणिया करदे ने। साध संगत चिट्ठी लिख दित्ती, पकड़ा दित्ती, ए सिख जिहड़ा सिखी मंगण आया सी ना, मंजलो मंजली पेंडा तय करदा उस एड्रैस ते पहुंच गया जिहड़ा एड्रैस गुरु अर्जन देव जी ने दिता सी। जदों पहुंच गया उत्थे जाके कहिंदा सतगुरां ने कहा सी, जिवें आपां गुरु ग्रंथ साहिब करे प्रकाश कराउने आ, आपां पहलां दर्शनी भेटां अगे रखदे आ, रुमाला साहिब महाराज नूं भेंट करदे आ, उत्ते भेटां रखदे आ, साधु संतां नूं पोशाक दिंदे आ, उत्ते भेटां रखदे आ। एवें उदों जदों गुरु साहिब दा सद्दा मिलदा,
ओदी प्रेम भेटा दिती जांदी। ए भेटा महाराज ने मंग के लई। जदों तू आ पत्रिका चिट्ठी मेरे सिख नूं पकड़ाएगा ओदे तो 100 रुपया लै ली। ओजों ओदों करंसी दा नौ रजतपण हुंदा सी। जे तुसी ग्रंथ पढ़न दा शौक रखदे हो तां तुहाडे शायद याद होएगा ओदो रुपये नहीं सी हुंदे। इस करंसी दा नौ हुंदा सी रजतपण। मैं अपनी समझण वास्ते कहना भी उह तों भाई 100 रुपया लै ली, 100 रजतपण लै ली, फिर चिट्ठी दई। जाके साध संगत ने दसिया मैनू गुरु अर्जन देव जिया ने तेरे पास भेजिया, उन्हें चरण चुमे नमस्कारा कीतिया। वो मैं गरीब गुरु की लिखत विच मेरे गुरु नू मैं याद हाँ। वो शुक्र है मालका, इन्ने गरीब बंदे नू भी तुसी जानदे हो। कहिंदे बहुता खुश ना हो, ओदा कारण तां दा गरीब है। इन्ना खुश ना हो, 100 रुपया दे तेरे वास्ते गुरु साहिब ने एक मैसेज, एक सद्दा, एक पत्रिका, एक चिट्ठी, एक लैटर भेजिया। आ चिट्ठी भेजी तैनू साध संगत कोल तां पैसा है नहीं सी कोई, समान बेचिया, 100 रुपए का इंतजाम किया, 100 रुपया सिख नूं दे के वो पत्रिका लै लई। चुमदा ओहो चिट्ठी मेरे सतगुर दी कुट के कलेजे ला ली। चिट्ठी सतगुर दी कुट के कलेजे ला ली। चिट्ठी मेरे सतगुर दी कुट के कलेजे ला ली। चिट्ठी मेरे सतगुर दी कुट के कलेजे ला ली। चिट्ठी मेरे सतगुर दी कुट के कलेजे ला ली। चिट्ठी मेरे सतगुर दी कुट के कलेजे, कुट के कलेजे ला ली। 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 साध संगत जदों इस तरह दे नाल 100 रुपया दे के पत्रिका हिरदे दे नाल लगाई, सिख कहिंदा खोल के तां देख लै च लिखिया की है। जदों पत्रिका खोली उहदे च लिखिया सी, सिखा मेरा तेरे नाल बहुत प्यार है, गुरु के लंगरां वास्ते, कार सेवा वास्ते सानू तेरे तो 500 रुपया चाहिदा। आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। पेपर पै गया सिख दे उत्ते भारी, कृपा नाल पास होवांगे। पेपर पै गया सिख उत्ते भारी, कृपा नाल पास होवांगे। साध संगत ओ तां सारा कुछ बेच के तां 100 रुपया इकट्ठा कीता सी। महाराज कहिंदे 500 लैके आ जा। संसार तां एडा वड्डा वसदा,
सारे संसार तो पैसा नहीं मंगिया, चुनिया गया एक सिख चुनिया गया। सच्चे पातशाह नूं पता सी जिन्हों मैं चुनिया ए मेरा कम कर सकदा है जी, जिन्हों चुनिया ए कर सकदा। हुण साध संगत कई आयल्स की पढ़ाई करदे ने, सरकारी स्कूल च पढ़े हुंदे ने, थोड़े थोड़े नंबरां ते पास हुंदे ने, कईयां नूं अपना नाम भी नहीं लिखना आउंदा ते पेपर दिंदे ने आयल्स दा। हुण जिहड़ा बंदा अपना आप दे ही लिखिया नौ पंजाबी च पढ़ नहीं सकदा, आयल्स की पढ़ाई किवें कर लो? फिर बाबिआं कोल जाके कहणगे करो अरदास, चक्को 50 रुपये, चक्को 100 रुपया, सानू आयल्स चो पास कराओ। ਉਹ ਚੁਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਬੰਦੇ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10-10 ਵਾਰ ਆਇਲਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। आओ अपने विचार ते मैं समाप्ति करन जा रहा हाँ। साध संगत महाराज ने उन्हें चुन लिया तुकार सेवा वास्ते, गुरु के लंगरां वास्ते 500 लिया सकदा है साध संगत। कृपा कोई कहिंदा गल्ले ही कोई नहीं महाराज, सिख नूं कहिंदे बह जा करे, सिंघणी नूं कहिंदे लिया प्रशादा पानी छका, इहनूं इहनूं जल पानी छका ते मैं 500 दा इंतजाम करके आउणा। चल पिया साध संगत सिख सच्चे पातशाह दा ओट आसरा लैके। ओको इक तकिया आसरा तेरा, जदों कोई ओट ना रखी तकिया आसरा तेरा, जदों कोई ओट ना रखी खले सबो पचे आसरा
ਸਾਥੀ ਵਾਓ ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਥ ਬਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚ ਗਿਆ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਓਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਓਟ ਪਕੜੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਪਕੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਢੰਡੋਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਇਆ ਮਸ਼ਕੀਨੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਢੰਡੋਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜਕੂ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇਸ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਛਿੰਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ ਮੱਲਾਂ ਖਾੜਾ ਰਚਿਆ ਮਸ਼ਕੀਨੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਝੰਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ਕੀਨੀਏ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੇਗਾ ਰਾਈਸਲਿੰਗ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ 500 ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲੂਗਾ ਭੱਜ ਲਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲਿਆ ਜਿੱਧਰ ਛਿੰਝ ਸੀ ਜਿੱਧਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਸੀ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਿਓ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸੁੱਕੜਿਆ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ ਮਸ਼ਕੀਨੀਏ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਉਹ ਆਪ ਮਸ਼ਕੀਨੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਕਦੇ ਮਸ਼ਕੀਨੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸ਼ਕੀਨੀਆਂ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਜੇ ਏਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਤਾਂ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਭੀਮ ਸੈਨ ਵਰਗਾ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੀ ਓਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਓਹੋ ਹੋ ਜਾ ਮਾ ਕੁਰਬਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾ ਮਾ ਕੁਰਬਾਨ ਗੁਰੂ
हो जावा कुर्बान गुरु जी तेरे बचना तो, हो जावा कुर्बान गुरु जी तेरे बचना तो, हो जावा कुर्बान गुरु जी तेरे, हो जावा कुर्बान गुरु जी तेरे बचना तो, 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 हो जावा साध संगत ओको मशकीनिया कहंदा इन्नी कृपा तेरे ते किवें किदे वास्ते मरन लग्या तू, कहंदा मैं गुरु वाला मैं मरदा नहीं, हार जूंगा फिर की गल है पर मैं मरदा नहीं, केड़े गुरु दे तू, कहंदा मैं श्री गुरु नानक देव जी दा, संगत मैं मरदा नहीं, हार जावांगा कोई परवाह नहीं, तू हारना भी क्यों है, मैनू गुरु साहब ने हुक्म कीता 500 रुपया लेके मैं गुरु के लंगरां वास्ते पहुंचना, जित सकदा नहीं मरना भी नहीं, हारांगा 500 मिलू ले जाके गुरु के लंगरां च पा दूंगा, आखो सतनाम ओहो, एडे एडे जेरे सिखां दे आप दे गुरु वास्ते मरन नू तैयार, लड़न नू तैयार, साध संगत मशकीनिया कहंदा ओ सिखा तू मैनू जानदा, कहंदा मैं नहीं जानदा ना मैं जानना, मैं ता केवल आप दे गुरु नू ही जानदा, ओ कहंदा सिखा मैं ही मशकीनिया पहलवान हाँ, मैं आ पहलवान तू मैनू जित नहीं सकदा, कहंदा पता मैनू मैं जित नहीं सकदा मैं हारूंगा, ओ सिखा अज तू जितेगा ते मैं हारांगा, आखो सतनाम, ओ तू गुरु वास्ते मरन नू तैयार लड़न नू तैयार, मैं हारूंगा, तू जाके झंडी पुट लई, जदों तू झंडी पुट लई ना ओको फिर अपनी कुश्ती शुरू हो जू, कदे तू उपर कदे मैं उपर, जितना समा होवेगा कुश्ती दा घंटा डेढ़ घंटा करांगे, जदों कुश्ती मुक्कण दा टाइम आ गया ओ मैं टह जूंगा, तू मेरे उपर बैठ के एदा हाथ खड़ा करके कह दी मैं मशकीनिया ढा लिया, ओहो साध संगत तेरा दर ऐसा ऐसा कै तेरा दर ऐसा ऐसा है, तेरा दर ऐसा ऐसा है, मिलदा मान नी माणिया नू, मिलदा मान नी माणिया नू, मिलदा माणिया नू, मिलदा मान नी माणिया नू, मिलदा मान नी माणिया नू, मिलदा मान नी माणिया, साध संगत कुश्ती शुरू हो गई, जदों कुश्ती शुरू हुई ना कई जड़े सिखां दा मखौल अड़ाउण वाले हुंदे ने, कहंदे अज मरू सिख अज, अज मर जाना इन्हें मशकीनी ने इदां मसल देना इहनूं, ओहो कई गदार भी हुंदे ने
दिने दिने नाल होंदे ने रात नू साथ छड जांदे ने हैं जी। ए दुनिया दो तरह की कह बाबा जी कहंदे होंदे सी संत बाबा अतर सिंह जी महाराज मस्तुआना साहिब वाले झट किथे गुजारा जी मालका दुनिया टिकणना ओहो। ए दुनिया कदे कदे जितन वालियां दे नाल नाले पता इन्हें हार ना खाई जाणगे चले जाणगे दूजे पासे एदां भी हुंदे ने साध सां लोक मखौल कर रहे ने कहंदे अज सिख मरू मशकीनिए ने बांह तो फड़ के कमा के ओ मारना परे ए नहीं बचदा अज सिख मरूगा। कई जेड़े साध संगत गुरु साहब ते भरोसा करन वाले ओ कहंदे ओनू केड़ा मारे जी दा राखा है परमात्मा ओनू केड़ा मारे राखा है परमात्मा ओनू केड़ा मारे जी दा राखा है परमात्मा ओनू केड़ा मारे जी दा मारे जी दा राखा है परमात्मा ओनू केड़ा मारे जी दा राखा है परमात्मा राखा गए परमेश्वर जी दा राखा गए राखा गए परमात्मा राखा गए परमात्मा राखा है परमात्मा राखा है वो जी दा राखा है परमात्मा राखा है परमात्मा ओ राखा है परमात्मा जी दा राखा है ओनू केड़ा ओनू केड़ा ओनू केड़ा मारे जी दा राखा गए ओनू केड़ा मारे जी दा राखा गए परमात्मा मारे जी दा राखा है साध संगत मैं समाप्ति कर रहा हाँ बस एक दो मिनट का समा मैं लावांगा और उस तो बाद साडे बहुत ही प्यार वाले महापुरुष साडे संत आश्रम कणगस अक्सर चरण पाउंदे रहिंदे ने मिठी रसना द्वारा मिठे मिठे बोल साध संगत नूं सुणाउंदे रहिंदे ने दिली लगाओ कै जिन्हां दे नाल आप रब वर्गियां संगतां दे दीदार करवाए ने मैं महापुरखां दा तहि दिलों धन्नवादी हाँ। साध संगत कुश्ती खोण लगी समा लंघदा गया कोई कहिंदा हार जू सिख कोई कहिंदा जित जू सिख आखरो समाया जदों मशकीनिए नूं ਉਹ ਸੁੱਕੜੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਢਾ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਸ਼ਕੀਨੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਢਾ ਲਿਆ ਆਪ ਦਾ ₹1,000 ਇਨਾਮ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਘਰੋਂ ਕੀ ਲੈਣ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ₹500 ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ₹1,000। ਫਿਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਸ਼ਕੀਨੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਟਹਿ ਗਿਆ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ₹500। ਮਸ਼ਕੀਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸ਼ਕੀਨੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ₹500। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰੇ ਆਇਆ ਸਿੱਖ ₹1,000 ਮਸ਼ਕੀਨੀਆਂ ₹500 ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਤੋਂ ₹500 ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ₹500 ਵੀ ਲੈ ਲਾ। Thank you.
जय जयकार ओ नां दी होवे जिन्ना ने कमाइयां कीतियां कार ओ नां दी होवे जिन्ना ने कमाइयां कीतियां कार ओ नां दी होवे जिन्ना ने कमाइयां कीती हो जय जयकार ओ नां दी हो जिन्ना ने कमाइयां कीतियां मशकीनियां हाथ जोड़ी खड़ा गरीब सिख दे अगे ओ जेड़े गुरु वास्ते तो लड़न मरन लई तैयार हो गया ओ सिखा मैनू भी ओदे चरना च लै चल आखो सतनाम साध संगत लैके तुर पए ओ सिख नू भी लै लिया करो जेड़ा चिट्ठी लैके आया सी सारी कहानी दसी ए पैसा किवें लैके आया हाँ कहा सी ना सिखी तिखी है खंडे दी धार नालों औखी है कमाउणी संगते रास्ते चुस्त करदे जांदे ने अमृतसर साहिब पहुँच गए और जिथे तुसी लाची बेरी थले इशनान करदे हो ओदे नाल थड़ा साहिब है पहला लाची बेरी फिर गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश फिर नाल ही थड़ा साहिब है ओथे महाराज बैठे बाणी लखवा रहे सी पता महाराज इन्हां नूं देख के पता की कहंदे सुखी बसे मसकीनियां सुखी बसे मसकीनियां ओए आप निवार तले सुखी बसे मसकीनियां आप निवार तले सुखी बसे आप निवार तले सुखी बसे साध संगत सच्चे पातशाह ने आउंदे नूं ही नौ लैके बुलाया ओ गुरबाणी च नौ लिखता ओए ओदा जिने निम्रता रखी जिदे च दासा भाव आ गया ओ मैं कदे कदे कुछ लिख भी लैंदा हुन्ना मैं सोचिया जदों महाराज उत्थे बैठे होणगे सजे होणगे संगतां सामने बैठियां होणगियां अपने वांगू ता साध संगत दो लाइना लिखिया मैं बोल के समाप्ति ओह बैठे सतगुर पातशाह दीवान सजा के बैठे सतगुर पातशाह दीवान सजा के बैठे सतगुर पातशाह दीवान सजा के हाँ बैठे सतगुर पातशाह दीवान सजा के बैठे सतगुर पातशाह दीवान सजा के बैठे सतगुर पातशाह दीवान सजा के संगता कोण निकाल गुरां दा दर्शन पाके संगता हुण निकाल गुरां दा दर्शन पाके संगता हुण निहाल गुरां दा दर्शन पाके
ਤਾ ਹੁਣ ਨਿਹਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਸੰਗ ਤਾ ਹੁਣ ਨਿਹਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੱਖੇ ਦੀ ਕਰਨ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਜਲ ਛਕਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੱਖੇ ਦੀ ਕਰਨ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਜਲ ਛਕਾ ਕੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਕਰਨ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਜਲ ਛਕਾ ਕੇ ਵਾਹ ਕੋਈ ਪੱਖੇ ਦੀ ਕਰਨ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਜਲ ਛਕਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਹਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੀ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਵਾਹ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਹਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੀ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕੱਟਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰਾਂ ਵਰਸਾ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕੱਟਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰਾਂ ਵਰਸਾ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕੱਟਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰਾਂ ਵਰਸਾ ਕੇ ਕੀ ਦੁੱਖੜੇ ਕੱਟਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰਾਂ ਵਰਸਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਨ ਜਾਪ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਨ ਜਾਪ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਨ ਜਾਪ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ 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 ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਕੀਨੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰੀ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਹਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਰਹਿਣਗੇ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਮਸ਼ਕੀਨੀਆਂ ਤੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਸਾਡੇ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸੰਤ ਆਸ਼ਰਮ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲਾਇਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਰਜੂਲ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ
गुरु कियां कथा कहानियां सुनाईया ने। धन्यवाद है श्रीमान संत बाबा प्रितपाल सिंह जी संप्रदाय राड़ा साहिब महापुरशां दा धन्यवाद है ते सारे जथे दा धन्यवाद है। कोटन कोट धन्यवाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा। आओ सारिया संगतां नूं बधाईयां ने क्योंकि अज धन 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 गुरु रामदास महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा गज के आख्यो सतनाम फिर आख्यो सतनाम। महाराज जी का अज प्रकाश दिहाड़ा सारिया संगतां नूं बहुत बहुत बधाईयां। गुरु महाराज जी ने कृपा की है बापू जी बापू प्रेम सिंह जी समूह नगर ने कृपा गुरु महाराज जी ने की है। बाबा जी ने बड़ी विचार सोहनी की है सुखी वसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े हंकारियां नानक गर्भ गले। मैं नहीं कहा सी बाबा जी ने भी ये साखी सुनायो आ फड़े बच्चों जे वादू ने साडे नाल भेज दिओ जथे वाले घटे ही ने साडे नाल मेरे नाल पांच सात घटे ही ने बाबा जी नाल तां बहुत ने आ सानू दे दिओ जे वादू ने ते दिओ ध्यान बस पांच सात मिनट। बाबा जी ने विचार कीती है बड़े बड़े हंकारियां एक गल स्पष्ट है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी जेड़ा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे ओट आसरा रखदा ना जेड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं कह दिंदा सच्चे पातशाह मैं तेरा जेड़ा महाराज नूं कह दिंदा सुनियो भैणो बीबियो वीरो बच्चियो बुजुर्गो जेड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं कह दिंदा ना मैं तेरा वा गुरु ग्रंथ साहिब जी बाबा नानक जी उहदे बण के दिखाउंदे ने गज के आखो सतनाम। अज गुरु रामदास महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा पांच सत मिनट की विचार आ जदों गुरु रामदास महाराज जी तुरे नानी लैके तुरी लाहौर तो चूना मंडी लाहौर तो नानी लैके तुरी पहला मां चढ़ाई कर गई गुरु रामदास महाराज जी की छोटा नवा जेठा दस क साल की ग्यारह साल की उम्र है नानी लैके तुरी ते अज पिता भी चढ़ाई कर गया जदों तुरी नानी लैके रिश्तेदार भैन भाई साक संबंधी नगर वाले पता की कहिंदे ने नगर वाले कहिंदे ने जेठे दे कोठे नूं जिंदा लग गया बासर के नगर चलिया नानके ने बासर के नगर तरन तारण जिले दे विच पैंदा जेठे दे कोठे नूं जिंदा लग गया चाची ताई कहिंदे ने नगर वाले कहिंदे ने कहिंदे जेठे दा कोठे नूं जिंदा लग गया ये जिंदा खुलना नहीं आटा है ढेरी हो जाना बड़ा होगा बासर के इन्हें ब्याह करा लेना उतो ही नानी को रहूगा बड़ा होके लोकां ने कहा जेठे दे कोठे नूं जिंदा लग जाना जेठा किथे आ गया जेठा आ गया तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी की शरण दे विच गोविंदवाल साहब की धरती से गज के आख्यो सतनाम। कहिंदे जेठे दे कोठे नूं जिंदा लग गया खुलना ही नहीं जेठा आ गया गुरु अमरदास महाराज जी दे चरणां दे विच इन्नी आ के सेवा कीती सिमरन कीता बंदगी कीती भाई जेठे ने कह दिता गुरु नानक नूं सच्चे पातशाह मैं तेरा। आओ पढ़िओ प्यार दे नाल मैं तेरा जी मैं तेरा सच्चे पातशाह रख लै गरीब जान के तेरा जी मैं तेरा बाबा नानक रख लै गरीब जान के जी मैं तेरा जी मैं तेरा सच्चे पातशाह गरीब जान के भाई
जेठे ने की बेनती गुरु नानक नू, भाई जेठे ने की बेनती गुरु अमरदास जी नू, लोका ने कहा माफ करियो, गुस्सा ना करियो गल दा, लोका ने कहा जेठे दा कोठे नू जिंदा लग गया, जिंदा खुलना नहीं, अज जेठे दे कोठे दे चार दरवाजे ने चार जिंदा लगदे ही नहीं, गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप, अज हरिमंदर साहब जी दे चार दरवाजे ने, लोकां ने कहा वो प्रेम सिंह खड़ता गया 70-80 बोटां निकलनियां ने, लोकां ने कहा प्रेम सिंह आ गया गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी हजूरी दे विच, माफ करियो सुखी वसै मसकीनिया आप नवार तले, बड़े बड़े हंकारियां नानक गर्भ, जेड़ा गुरु दा बन गया गुरु भी उन्हूं बन के दिखाउंदा है, गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जिन्नी भी संगतां ने अरदास करके जायो बापू प्रेम सिंह जी दे लई, सच्चे पातशाह जे तुसी सेवा बख्शी है चढ़ती कला दे नाल 5 साल सेवा करन, सारिया ने यही अरदास करनी है, ठीक है गुस्से गुले हरेक दे हुंदे ने, दो भांडे ने घर दे विच सारिया दी फड़कदे ने, किहदे नहीं फड़कदे, सारिया नाल गुस्से गुले मिटा के अरदास करके जानी आ, 5 साल साडे बच्चियां लई, साडे नगर लई, साडे लई, गुरु घर लई, कोई वधिया सोहणा आउण वाले समें दे विच कोई वधिया सोहणा सुहावणा समा आवे, गुरु महाराज जी कृपा करन, सारिया ने इहो अरदास करनी है, सच्चे पातशाह चढ़दियां कलां बख्शियो, जिन्नी भी नवीं पंचायत आ बीबिया ने, बीबिया नू भी चढ़दी कला गुरु महाराज जी बख्शन, ते बापू जी नू भी सारी संगतां नू चढ़दी कला, यही अरदास करियो सच्चे पातशाह मालका जी बाँह फड़ी आ फड़ के रखी, गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मेरी बाँह ना छोड़ियो जी मालका, मैं लड़ फड़िया तेरा, आओ होइयां भुलां चुका माफ, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी का धन्नवाद, सारिया संगतां दा धन्नवाद जिन्हां ने हाजरी भरी है, मेरा बोलण दा कोई विशा नहीं सी, मैनूं फिर कई जने कह दिंदे ने तूं ज़्यादा बोल जाना, तत्ता बोल जाना, मेरा सुभाअ ही इदां दा, मैं सच्ची गल जरूर करदा, बाबा जी ने भी बड़ियां सोहणियां गल्लां कीतियां ने, मेरा सुभाअ वा थोड़ा जिहा, पर कईआं नूं गुस्सा लग जांदा है, पर नहीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी हजूरी विच कोई गुस्सा नहीं, अपने मन नूं सांभ के रखीए, एक बारी तो जिंदगी मिली है, भई प्राप्त मानुख दिहोरिया गोबिंद मिलन की एहो तेरी बरिया। एक कवि ने बड़ी सोहनी उदाहरण दिती है, कैंची कलवत्री मुगद नर करे एक से अनेक, सुई सुहागा सुगड़ नर करे अनेक से एक, सुनियो ध्यान, कैंची कलवत्री मुगद नर, किसी ने पूछिया सुई नू, सुईए तू निक्की जी है दर्जी की पग च रहनी है, तू निक्की जी है, सुई बोली कहिंदी वीरा भरावा मेरा काम आ जोड़न दा, मैं तां उच्चे जगह रहनी आ दर्जी दी पग च लगदी आ, सुई कहिंदी है, सुई कैंची कहिंदी है मैं इहदे नालों वड्डी आ इक गिठ दी आ, मैं दर्जी दे पैरां च रुलदी आ, कैंची कहिंदी है मैं इक गिठ वड्डी आ मैं पैरां च रुलदी आ, और सुई निक्की जी आ उत्ते चढ़ी बैठी है, क्यों बापू जी, सुई निक्की दी आ उपर चढ़ी बैठी है, फिर कवि ने लिखिया सुईए अपनी कैंची तू अपने वल ध्यान मार, ध्यान तेरा काम है कट्टण दा, तेरा काम है कट्टण दा, भावें टाइम लग जांदा है सुई नू सियाउण वास्ते, तेरा काम है कट्टण दा, 1000 रुपया 2000 3000 4000 5000 रुपया वाला मीटर वाला कपड़ा मिनट च कतर के सिट दिंदी आ कैंची, माफ करियो कैंची कलवत्री मुगद नर करे एक से अनेक, सुई सुहागा सुगड़ नर करे अनेक से एक, कैंची दा काम है कटना तां पैरां च रुलदी है, दर्जी दे पैरां च रुलदी है कैंची, क्योंकि उहदा काम कटना तोड़ना जोड़ना नहीं, सुई दा काम है जोड़ना तां उच्चे जगह रहिंदी है, माफ करियो तोड़न वाला काम ना करिए नहीं तो कैंची वांगू रुल जांगे, गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कैंची नूं दर्जी पुछदा नहीं मुड़ के 2-3 घंटे जदों कपड़ा घट लैंदा ना, कैंची कैंची नूं दर्जी पुछदा नहीं, तोड़न वाला काम कदे ना जिंदगी च करिए, आप भी नाम जपिए, बच्चियां नूं भी जपाइए, आप भी गुरु दे नाल जुड़िए, होरां नूं भी गुरु नाल जुड़िए, सब दे धन्नवाद है, पढ़ो आनंद साहिब।
राम कलीमा लतीजा नंद एक ओंकार सतगुर परसा नंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज से ती मनमतिया बताइया राग रतन परिवार प्रिया शब्द गावन आया शब्दों तांगावो हरी केरा मन जिन्नी बसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया हे मन मेरे तो सदा रहो हर नाल रहो तू मन में दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेर कारज सब सवार सब नांगला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन में सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब किसे जिस देहे सुभावे सदा थेवत सलाहा नाम मन बसावे नाम जिनके मन बस वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाया कर सांत सुख मन आए बस जिन इच्छा सब बजाया सदा कुर्बान कीता गुर मिटो जिस नी आए बढ़िया कहे नानक सुनो संतो शब्द तरू प्यारो साचा नाम मेरा वाचे पांच शब्द कर सुपागे शब्द वस कला चित कर तारिया पांच दोस तुद वस कीते काल कंठ कमारिया और कर्म पाया तुद जिनको श्री नाम हर कहला कहे नानक तैं सुख हुआ चित करे अनहद वाजी आनंद सुनो बड़ पाकियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया उतरे सगल सूरे उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन पे सर से पूरे गुरते जानी गुरते पुनित कहते पवित्र सतगुरु रहे आपर पूरे बिन बंत नाल गुरु चरण लागे वाजे अनहतुरे पवन गुरु पाणी पिता माता तत् महत देव सुरात कोई दाई दया खेले सकल जगत चंगियां बुरियां वाचे धर्म दूर करमी आपो आपनी केरे के दूर नी नाम ते आया स्वयं शक्त काल नानक ते मुखे उजले केती छुटी नाल जिनी नाम ते आया नानक ते मुखे उजले केती छुटी नाल नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह तू ठाकुर तुम पहियर तुम मात पिता हम बारक तेरे सदा कुर्बानी आगे अरदास हमारी जियो पिंड साबा कह नानक साब तेरी वड्याए कोई नो न जाने कोई नो न जाने बोलो जी सतनाम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह वार श्री भगवती सहाय वार श्री भगवती पातशाह दशमी प्रथम गौती सिमर कै गुरु नानक ली त्याय फिर अंगत गुरते अमरदास रामदास है सुहाय हर जन हर गोबिंद रौ सिमरहो श्री हर लाए श्री हर कृष्ण त्याई जह दिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिय कार नौन दयावे ताए सब थाए होना सहाय दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सब थाए होना सहाय दसा पातशाह जगदी जो धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे दासवीं पाठ दीदार अंतर खालसा साहब बोला जी पंचा प्यारिया चौहा सहजादे चाली मुगतियां हाडियां जापियां तापियां जिना गुरमुखा ने नाम जपिया वंड छकिया दिख चलाई तेहवाई देख के अंड कीता तिना प्यार सचियार दी कमन ध्यान तर खालसा साहब बोला जी जिना सिंघा सिंघणिया ने धर्मे सी दिते बंद बंद कटवाए खोपड़े लहाइया चखड़िया दे चढ़े तन आर नचराए गुरद्वार ली सेवा ली कुर्बानियां कीतियां धर्म ना हारिया सिखी केसा सबासा संग नभाई तिना दी पवित्र कमाई दा ध्यान तर खालसा साहब बोला जी पंजां तख्तां ते सरबत ही गुरदा ध्यान तर खालसा साहिब बोला जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे चेतावन का सदका सर्व सुख होए जहां जहां खालसा साहिब जी और तहा तहा रक्षा राय बिरत की पै पंथ की जीता श्री सहज जी सहाय खासा जी के बोल वाले बोलना जी बख्शो जी गौर सिखा नो सिखी दा के दान रहत दान बेदान भरोसा दान दाना सदान नाम दान श्री अमृत सार दिया स्नान टंकियां झांडे होंगे जुगो जुग अटल धर्म का जय कर खालसा साहिब बोला जी आप दे सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा हे अकाल पुरपंथ के सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब दहर गुरद्वारिया गुरधावा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार सेवा संभालता दान खालसा प्यार को बख्शना हे नमाण्यो के नमाण सतगुरु न ताण्या ताण सतगुरु नोट्या के नोट सतगुरु न्यासरिया दयासरे सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ आप जी दे चरण कमला पास अरदास बेनती जोदड़ी प्रार्थना सतगुरु महाराज जीओ आप जी दी महान महान कृपा हुई है बिरथी कदे ना होगी जन की अरदास नानक जोर गोबिंद का पूरन गुण दाते महावाका अनुसार सतगुरु महाराज जो आप जी ने कृपा कीती है गुरु घर दे प्रीतमान गुरु घर के सेवक परिवार सत्कार योग भाई साहब भाई प्रेम सिंह समूह परिवार ने महाराज आप जी ने कृपा कीती है जो कि सरपंच दा ओहदा बख्शिया है सतगुरु आप जी ने ही कृपा करके आप जी ने ही कृपा कीती है अंग संग होके सहायता करनी परिवार नूं चढ़दियां अकलां बख्शनियां महाराज जीओ परिवार ने आप दा शुकराना करदिया होया गुरु घर विच अमृत वेले सुहणे साध दे जाप करवाए ने
ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ ਗਏ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਦਰੂ ਕਰੂ ਗੌਰ ਸਿੱਖੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਓ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਅਰਮਾਲੇ ਸਹਿਪਨਾਏ ਨੇ ਆਪ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪੜਦੇ ਕੱਜ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਰੀਆਂ ਦਾਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਤਿਲ ਕੁਲ ਭਟਾਵਾਂ ਦਾਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਗਾਹਾਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਪੰਚਵੜਾ ਦੇ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਵਰਤੀ ਜੋ ਹੀ ਛਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਾਂ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਪ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਅੱਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੋ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੀਰੇ ਪਾਣੀ ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸੇ ਕਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਜਿਹੈ ਖੋਜ ਸਵਜ ਮੈਲੀ ਰਾਜ ਕਰੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੇ ਰਹੇ ਨ ਕੋਈ ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਿਹਾਜ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸੋਤਰੀ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੌਰ ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਜ ਸਵਾਰਿਆ ਇਹ ਲੋਣ ਗੁਰੂ ਅਬਾਰਿਆ ਆਨੰਦ ਕਰ ਬਿਤ ਮਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋ ਗੇ ਜਨ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੌਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਾਰ ਤੀਜਾ ਦੋਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੀ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੀ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੀ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਗੌਰਪੁਰੈ ਕਿਨੇ ਦਾਨਾ ਸਭ ਖਸਲ ਖੇਮ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਭ ਥੋਕ ਉਬਾਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਲਾਥੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਓ ਸਾਥੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਆਦ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਗਰ 'ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰੂਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਸੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ। ਜੋ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ, ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗੂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪਾ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਆ ਕੇ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਪਣਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਜੱਗੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ। ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਬਾ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਰੂਪਾ ਲੈਣ ਆਪਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਾਪੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮਾੜਾ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰੋ ਪਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਗਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਧੇਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, 21,000 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਈ 21,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ
उस दिन पेटी लवारी बैड बिस्तरा भांडा पीड़ा सैट लगभग 51,000 रुपया बापू जी बापू प्रेम सिंह जी वालों दिता जाऊगा। जिहड़ी बच्ची आ ना जिहदे माँ प्यो नहीं ये फैसला घर दे विच बैठ के लिया, असी भी पंधेर परिवार नूं भी मुबारक जिन्हां ने फैसला लिया वा ते बापू जी होना वालों भी फैसला लिया गया सी भी 51,000 रुपये का समान उस बच्ची नूं दिता जाऊगा जिहदे माँ प्यो है नहीं, जिहड़ी बाबा जी दे कोल बच्ची रहिंदी आ, कहण दा भाव बाबा जी दी इह धी है, उस धी नूं दिता जाऊगा। बाकी रल मिल के सारे भाई तुसीं ने कार्ज करने ने, गुरु साहब जी कृपा करन, हुण देगां बरतणगियां। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। जो बोले सो निहार।